क्या हाल चाल है मेरे भाइयों का? बढ़िया। सो जब से भाई केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ यार, उसके बाद लोगों के बीच एक ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है केजीएफ चैप्टर 3 को लेके यार, क्योंकि मेकर्स ने भाई लास्ट में जो भी पोस्ट क्रेडिट सीन में ना छोटा सा हिंट्स दे दिया, हम लोग लेके आने वाले हैं तबाही चैप्टर 3, मींस केजीएफ चैप्टर 3। तो इस फिल्म को लेकर ना जो भी केजीएफ का फैंस है वो लोग अलग अलग स्पेकुलेशन लगाने लगे इस फिल्म के स्टोरी को लेके, केजीएफ चैप्टर 3 में होने वाली है सलार की एंट्री। की बात ये है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 में होने वाली है सलार की एंट्री। क्या सच में सलार की एंट्री होने वाली है? भाई का हाथ लगा है बहुत ही तगड़ा वाला न्यूज, प्लीज इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना यार। एक्चुअली में फरमान के कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है? क्या डालिम बेबास प्ले कर सकते हैं या फिर कोई और एक्टर प्ले कर सकता है? आगे बात करते हैं यार। उससे पहले जो भी बालक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं केजीएफ चैप्टर 3 में होगी सलार के एंट्री वाले टॉपिक पे यार। सच कहूं तो ये वाला चीजें सुनने के बाद ना केजीएफ के फैंस लोगों के बीच में अलग ही मतलब होता है, एकदम तन बदन में आग लग जाता है। लोग एक ही चीज सोचते हैं, केजीएफ में सिर्फ अपना रॉकी बाबा है, तब ये फिल्म का लेवल कहां तक गया हुआ है? अब केजीएफ चैप्टर 3 में जब भी सलार में प्रभास पाजी की एंट्री हो जाएगी, तब केजीएफ चैप्टर 3 का लेवल क्या होने वाला है? तो ये चीज सुनने में कितना सही लग रहा है यार, मैं भी सुन रहा हूँ या मेरे भी तन बदन में आग लग जा रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, गुजबम आ जा रहे हैं कि दो पैन इंडिया सुपरस्टार को एक फिल्म में देखना हो, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला सीन है। बट अब बात करते हैं क्या ये चीजें रियल में पॉसिबल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तुम लोगों को बता दूं ये चीजें ना भाई कतई किसी एंगल से पॉसिबल नहीं होने वाली। आगे मैं तुमको रीजन दूंगा। फरमान का कैरेक्टर है रॉकी बाबा से कम 15 साल तो भाई छोटा होने वाला है। सोचो 15 साल छोटा कैरेक्टर को क्या आपने प्रभास पाजी प्ले करेंगे? केजीएफ के डायरेक्टर मीन्स प्रशांत गिल सर, मानो एक बार फरमान को भाई सलार बना देते हैं और इस कैरेक्टर को अपना प्रभास पाजी प्ले भी कर लेते हैं। तुम लोग यहाँ एक लॉजिक लगाओ, जब भी फरमान बड़ा होगा मीन्स होता ना एकदम मतलब बॉस लेवल पे आएगा, तब तक तो अपना रॉकी बाबा मीन्स यश पाजी बूढ़े हो जाएंगे केजीएफ में यार। किसी एंगल से सेंस बनता है? तो भाई ये दोनों बाप बेटे के रोल में भाई फिट बैठेंगे एक फिल्म में? ये किसी एंगल से फिट नहीं बैठता यार, पहला लॉजिक ये है। एक और मजे की बात ये है, बहुत सारे लोगों का ये कहने का फरमान जो गले में एक माला पहना ब्लैक कलर का, वही माला सेम टू सेम अपना सलार ने अपने एक पोस्टर में भाई पहना हुआ। एक माला से ये लोग भाई फरमान को सलार बता दे रहे हैं। बट ये वाला पोस्टर तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है, तुम देख सकते हो इस पोस्टर में अपने प्रभास पाजी ने वो माला कहाँ पहना हुआ है। तुम लोग स्क्रीन पे भाई सलार के सूट से कुछ फोटो लिए गए हैं, वो भी आ रहा है भाई। तो तुम लोग यहाँ सूट वाले फोटो में देख सकते हो, किसी फोटो में भाई प्रभास पाजी ने वो माला को नहीं पहना हुआ है। और दूसरा ये लोग क्या रीजन दे रहा है, ये जो फरमान का जो कैरेक्टर है ना, इसकी मम्मी का रोल प्ले कर रही है अपने ईश्वरी राव मैम। और बात करें सलार की भी मम्मी का रोल प्ले कर रही है अपने ईश्वरी राव मैम। तो भाई देखो, कोई भी डायरेक्टर होता है अपने जो भी फिल्म में जो उसके स्टार कास्ट होते हैं उन स्टार कास्ट को वो अपनी अगली फिल्म में भी रिपीट करता है। इसका मतलब ये नहीं है भाई वो स्टार उस फिल्म में किसी एक्टर का मम्मी बनी हुई थी। भाई अगर दूसरे किसी फिल्म में अगर दूसरे स्टार की मम्मी का रोल प्ले कर लेती है तो दोनों में भाई कोई सिमिलैरिटीज होता है? ऐसा नहीं है। सुनने में ये भी आया हुआ था भाई सलार में भाई अपने श्रीनिधि शेट्टी भाई एक आइटम सॉन्ग करने वाली है। तुम लोग यहाँ बताओ भाई रॉकी बाबा की बीवी भाई सलार में ठुमका कैसे लगाएगी, आइटम नंबर कैसे करेगी यार? मतलब क्या लॉजिक ये लोग लगा रहा है? एक और तगड़ा वाला लॉजिक मैं तुम लोगों को बता दूं। तुमने एक बार इमेजिन करो भाई, क्या प्रभास पाजी यश पाजी के बॉडीगार्ड बनते हुए दिखाई देंगे? भाई प्रभास पाजी को छोटे मोटे एक्टर नहीं है कि कोई भी रोल प्ले करने के यार। थोड़ा एक लॉजिकली सेम सलाह के तुम देखो भाई, नो डाउट सलार का कैरेक्टर बहुत ही तगड़ा है। लास्टली भाई ये जो सलार जो कैरेक्टर होगा, जिस तरीका से लोग अपना लॉजिक निकाल रहे हैं उस लॉजिक से सलार तो भाई एकदम यश पाजी के अंडर ही काम करता हुआ दिखाई देगा ना। ये चीजें किसी एंगल से पॉसिबल है? तुम लोग बताओ, किसी भी एंगल से पॉसिबल है भाई? प्रभास पाजी कभी ऐसा फिल्में करेंगे ही नहीं। और मैं तुम लोगों को बता दो, सलार में जो प्रभास पाजी का जो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर एक मैकेनिक का कैरेक्टर है। और मजे की बात है कि जो सलार के सूट 30-35% भी हो चुकी है, तो यहाँ किसी एंगल से फरमान कभी सलार बन ही नहीं सकता। हाँ मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि केजीएफ और सलार में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन फरमान कभी सलार नहीं बन सकता है। हाँ प्रशांत नील सर ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले एक कैरेक्टर को बिल्डअप देंगे। अपना केजीएफ में रॉकी बाबा का कैरेक्टर है, जब ये भी अपना तगड़ा वाला सलार भी एकदम तुर्रम खान लेवल पे आएगा, एकदम ब्लॉकबस्टर होकर जाए, किसी केजीएफ के चैप्टर में तो दोनों का आमना सामना कराएंगे। दोनों कैरेक्टर इस लेवल पे होगा कि कोई एक दूसरे से कम नहीं होगा, तब ना देखने में मजा आएगा यार। कि तुम लोग बताओ ना, प्रभास पाजी को मतलब रॉकी बाबा का अंडर ही रख दिया जाए, फिर वो मजा नहीं आएगा यार। प्रभास पाजी के फैंस लोग थोड़ा सा बुरे मान जाएंगे। ऐसा हो भी जाता है कि प्रभास पाजी अगर रॉकी बाबा का अंडर भी काम कर लेते हैं
तो भाई रॉकी बाबा यहाँ बूढ़ा हो जाएगा, फिर यहाँ अपना रियाज पाजी को जो भी फैंस हो गया वो लोग बुरा मान जाएंगे यार। तो ऐसे पर्सनालिटी सर कभी ये वाला गलती तो नहीं करने वाला, दोनों कैरेक्टर को भाई लेके आने वाले हैं। इनफैक्ट और ही बहुत सारे कैरेक्टर एड ऑन होने वाला है भाई, ऐसे ये लोग प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं ना भाई, बहुत तगड़ा प्लानिंग चल रही है। अब बात करते हैं फरमान का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है। जैसा अंदर से एक बहुत ही पुख्ता वाला सोर्स से पता चला है, फरमान का कैरेक्टर ना डगोवटी सर प्ले कर सकते हैं। हमारे क्या कहना है, तुमको अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम्हें जरा भी पसंद आया प्लीज यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ, आ जाओ यार इंस्टाग्राम दी स्टैट सारी चीज का लिंक भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, बातें करते हैं मस्ती करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।